हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ्री डीटीएच सेटअप बॉक्स को आप अपने सीआरटी टीवी के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहां पे देख सकते हो, ये है मेरे पास एलजी का बहुत ही पुराना सीआरटी टीवी, जो कि अभी मैं इसको अपडेट करके यहां पे रियलमी टीवी पे आ चुका हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर आपके पास भी अगर सीआरटी टीवी है तो आप इसको अपने फ्री डीटीएच सेटअप बॉक्स के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरे पास फ्री डीटीएच सेटअप बॉक्स। इसके लिए हमें जितने भी इसके अंदर चैनल्स हैं वो सारे के सारे चैनल्स फ्री चलते हैं, मुझे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको एलईडी टीवी के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो सारा जो फ्री चैनल है वो हम आसानी से देख पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका इनपुट्स के बारे में पहले हम समझा देते हैं। कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ यही तीन कॉर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, येलो, रेड और ये वाइट कलर का है। ये इन तीनों की मदद से हम आसानी से अपने सीआरटी टीवी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको इस टीवी के हम बैक साइड में आपको दिखाते हैं कौन कौन से इनपुट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले हम आपको इस टीवी को बैक करते हैं और फिर से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा दोस्तों टीवी का बैक साइड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एलजी का है ये टीवी, और यहाँ पे मॉडल नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पे इनपुट्स के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे इन यहाँ पे ये हम लगाएंगे। और आउटपुट यहाँ से हम कोई ऑडियो आउटपुट देना चाहते हैं या फिर वीडियो आउटपुट देना चाहते हैं तो इसमें कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमें इनपुट यहाँ से कनेक्ट करना है दोस्तों, तो ये येलो वाला हमें इस तरह का आपको वायर यूज़ करना है दोस्तों, ये प्लग। तो यहाँ पे येलो वाला हम येलो वाले में कनेक्ट कर देते हैं, और एक और ऑप्शन है वाइट वाला, वाइट में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। बस यही वायर हमको ले जाके इसका दूसरा साइड वाला जो वायर है वो हमें अपने सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट करना होता है। तो चलिए हम सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके दिखा देते हैं, फिर आपको टीवी भी चला कर दिखा देंगे। ये रहा दोस्तों वो सेटअप बॉक्स फ्री डीटीएच का, आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो रहा टीवी जिसको मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा हुआ है। दूसरा जो वायर है, जो कि पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कोई एक्स्ट्रा मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वो वायर है जो कि मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने टीवी के साथ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था एक येलो वाले को और दूसरा वाइट वाले को, बस यही दोनों हमें कनेक्ट कर देना है। और चलिए अब हम आपको दोनों में पावर सप्लाई देते हैं, सेटअप बॉक्स में और टीवी में। तो चलिए अब हम देते हैं सप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है, और ये जो हमारा टीवी है वो बहुत ही आसानी से चल रहा है। दोस्तों आपके टीवी के स्क्रीन पे आपको ब्लिंक कर रहा होगा, ये ऐसा टीवी नॉर्मल में देखने में नहीं होता है। लेकिन इस टीवी के सामने अगर हम अपने किसी भी कैमरा को लेके जाते हैं तो कैमरा में हमें इसी तरह का ये फेस करने को मिलता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल में ये टीवी ऐसा नहीं चल रहा है, आप इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे पास कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।